किसी प्रकार से ज्यादा खोपड़ी का व्यायाम मत करना, बुद्धि का व्यायाम मत करना, सीधे तुम्हें संतों से जुड़ना पड़ेगा। अगर संतों से तुम जुड़ जाओगे तो याद रखना परमात्मा का प्रकाश तुम्हें अपने आप सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे घर में परमात्मा का प्रकाश आ जाएगा। लेकिन बिना संतों के, संतों से जुड़ो। वैसे तो तुम लोगों ने समझ लिया है और सोच भी लिया है कि संतों से जुड़ना पड़ेगा। मिथिला वालों को भी संतों से जुड़ना पड़ा, अयोध्या वालों को भी ईश्वर को पाने के लिए संतों से जुड़ना पड़ा, अयोध्या वालों को भी जुड़ना पड़ा कि नहीं। इसलिए परंपरा को तुम स्वीकार करो, ये राम कथा आपको चेतावनी दे रही है। राम कथा मंच से ये सुंदर संदेश प्रसारित हो रहा है। आज वशिष्ठ जी महाराज के सम्मुख महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण दोनों को सौंप दिया, लो महाराज ये आपकी धरोहर, आपकी अमानत है, सुरक्षित रहते आपके हाथ में। राम निधि नहीं है, महानिधि। क्या है? महानिधि। निधि नहीं है, महानिधि है। और संतों की महानिधि तो राम ही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, महानिधि के रूप में कौन है? का महानिधि के रूप में है राम। इसलिए श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र विश्वामित्र महानिधि पाई, महानिधि। निधि नहीं, महानिधि। इसलिए निधि तो सबको मिलती है, लेकिन महानिधि संतों के द्वारा ही मिलती है। निधि श्रम करोगे, परिश्रम करोगे, प्रयास करोगे, निधि मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं? लेकिन महानिधि नहीं मिलेगी। परिश्रम से, पुरुषार्थ से, प्रयास से निधि प्राप्त होती है, लेकिन संतों की कृपा से महानिधि प्राप्त होती है। इसलिए संतों से जुड़ोगे तो महानिधि का अर्थ है भगवान। क्या अर्थ है? भगवान, भगवान मिलेंगे। तो विश्वामित्र जी को आज महानिधि, संत को भी संत ही के प्रयास से मिलती, दशरथ जी के प्रयास से नहीं, विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी के प्रयास से। मध्यस्थता किसको करनी पड़ी? दशरथ जी तो देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मध्यस्थता करनी पड़ी वशिष्ठ जी महाराज को, और वशिष्ठ जी ने समझाया तो विश्वामित्र महानिधि पाई। इसलिए संत के प्रयास से महानिधि मिलती। महानिधि का अर्थ है परमात्मा, ईश्वर, प्रभु। महानिधि मिल गई, प्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी, आनंद आ गया, महानिधि मिल गई। निधि से यज्ञ सफल नहीं हुआ, महानिधि से होगा।